खिला दो पढ़ाई खिला दो, खा ले बैठो। पढ़ लिख कर कहाँ तक जाए, क्या बोले वो जो भी अपना लक्ष्य बना बनाना बनाए बनाया है उन्होंने, वो हमेशा प्राप्त करें उस लक्ष्य को। कितने घंटे पढ़ते थे? डेली मैं 5 घंटे पढ़ता था। स्कूल में कौन सा ऐसे टीचर है जिसने आपको प्रेरणा दी? मेरे स्कूल में सबसे ज़्यादा प्रेरणा मेरे सीटू सर श्रीमान बेदतन शर्मा जी ने दी थी, क्योंकि वो इंग्लिश के टीचर हैं। आपके माता पिता के बारे में कुछ कहोगे? मैं जो भी आज मैंने अचीव किया है वो सब मैं अपने माता पिता को डेडिकेशन करना चाहता हूँ, और उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए मुझे पढ़ाया भरतजी स्कूल में, और इसलिए मैं कठिन से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। देश का कोई एक नेता जिससे प्रेरणा मिली? देश का एक ही नेता है, मुझे लाइक करता हूँ, मिस्टर मोदी, श्रीमान मोदी, माननीय मोदी। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी से डरते नहीं और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और जब भी एजुकेशन यूपी बोर्ड का परीक्षा होती है उससे पहले वो मन की बात करते हैं स्टूडेंट के परिवार से, स्टूडेंटों से, एनीथिंग। टॉप पर आया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी मिल रही है मुझे, ऐसा लग रहा है मुझे जीवन में पहली बार इतनी खुशी मिल रही है, मेरे बच्चे ने टॉप किया है, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बहुत ऊँचे जाएँ जिससे मेरा नाम रोशन हो, मेरे पति का, मेरा और सारे सब लोगों का हो। इससे आप कितना पढ़े? हम कम पढ़े लिखे हैं, 5वीं तक हैं, पर हम इसलिए नहीं जा पा जा पाए, हाथ पैर पोलिया का है, विकलांग हूँ मैं, और इसलिए मैं शिक्षित अनशिक्षित रह रही हूँ। बच्चों से आप चाहती हैं बच्चे पढ़े? हाँ, बच्चे हम चाहते हैं खूब पढ़े हमारे। आपको क्या लगता है कि आपका सपना जो 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 सपना आप पूरा नहीं कर पाए वो आपके बच्चे जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा हमसे आगे जाए, बहुत ऊँचे जाए। आपके बच्चे ने टॉप किया, कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रही है, जो इतनी खुशी हुई जो शायद मतलब हमें कभी भी ना हुई। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम 5वीं तक हैं पढ़े हुए। तो आपका प्रयास है कि बच्चे पढ़ जाए? हाँ, पूरी तन मन धन से हम चाहे कितनी परेशानी आए बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ पीछे परेशानियाँ भी आई, कुछ बच्चों को पढ़ाई को लेकर? परेशानियाँ भी हमारे पास बहुत आई, लेकिन हमने अभी एक गाड़ी भी बेच दी अपनी, अब बच्चों के लिए जो पैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने बेच दी एक गाड़ी। क्या बनाने का लक्ष्य आप बच्चे को? हमारा बच्चा कह रहा है IAS बनेंगे तो हम बनाएंगे, चाहे कितनी भी हमें परेशानी आए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या चाहती हो आप? मैं चाहती हूँ कि हम सारे बहन भाई पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का हमेशा नाम रोशन करें और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें। क्या दिक्कत आई परिवार में, आर्थिक स्थिति थोड़ी वैसी रही? हमेशा आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है मेरे मम्मी पापा को, और उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ हम लोगों को पढ़ाया है, कभी अपने सपनों को साकार ना करके हम लोगों के सपनों को हमेशा साकार करने की कोशिश करी। आप इसका किसका मतलब किसके लिए अपना मतलब श्रेय देना चाहती हो पढ़ाई को? मैं अपने मम्मी पापा को ही अपना श्रेय देना चाहती हूँ।